हेलो स्टूडेंट्स, आज सेपरेशन मेथड द्वारा अवकलन समीकरण को कैसे हल करते हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस और नियम को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथकीकरण द्वारा अवकलन समीकरण हल करना, इसका नियम क्या है कि यदि हमको एक अवकलन समीकरण दिया है, एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स और वाई वेरिएबल का, तो इसमें यदि फंक्शन एक्स वाई को वाई का और एक्स का सेपरेट फंक्शन दिए हो, एच वाई और जी एस को, तो हम एच वाई को डी वाई के साथ ले आएंगे और एक्स के फंक्शन को डी एक्स के साथ ले आएंगे और हम इनको क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन करने के उपरांत हमको एक वाई का फंक्शन मिलेगा, एक एक्स का मिलेगा प्लस सी, या इसका अवकलन समीकरण का हल होगा। क्लियर। अब हम इसी का उपयोग करते हुए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया हुआ है, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, तो यह आ जाएगा आपका वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, वन माइनस प्लस कॉस एक्स कितना होगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस वन, तो यह वैल्यू हो जाएगी आपकी, यह वन और माइनस वन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां बचेगा आपका टेन स्क्वायर एक्स वाई टू क्लियर। तो हम इसको देखते हैं, डी वाई इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स वाई टू इंटू डी एक्स, तो इसको हम और सिंपल करते हैं, डी वाई इक्वल सेक स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, डी वाई इक्वल सेक स्क्वायर अपॉन टू इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स, क्लियर। तो वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर क्या होता है इसका, टेन एक्स वाई टू और यहां पर वन बाई टू बाहर आ जाएगा, और वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, तो यह वैल्यू आप देखेंगे वाई इक्वल टू टू टेन एक्स वाई टू माइनस एक्स प्लस सी, यह आंसर हो गया, क्लियर। इसी प्रकार से आपको सेकंड क्वेश्चन को भी करना है, सेकंड को आप थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं मैं, आपको क्या करना है यहां पर, ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन रूट टू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा डी एक्स, तो इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे और इसमें आप फार्मूला लगा देंगे तो ये इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम डी वाई वाई डी एक्स इक्वल वन माइनस वाई, वाई का हमने क्या किया पक्षांतर करने पर, तो ये आ जाएगा आपका डी वाई वन वन माइनस वाई इक्वल डी एक्स, इंटीग्रेशन लगा दीजिए तो कितना हो गया, लॉग वन माइनस वाई और यहां माइनस आ जाएगा, ठीक है।
इसको आप थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा देते हैं चाहे तो आप, कि हम क्या करेंगे, 1 माइनस वाई को t मान लिया तो dt कितना हो जाएगा, माइनस dy। तो यह वैल्यू जो आ जाएगी आपकी माइनस dt अपॉन t इक्वल 1 इंटू dx। तो यह वैल्यू आप देखेंगे माइनस log t इक्वल टू x प्लस c। तो माइनस log t की वापस वैल्यू रख दीजिए, क्या है 1 माइनस y इक्वल x प्लस c। तो इसको हम सॉल्व करेंगे प्लस c इक्वल 0, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा सिंपल करेंगे तो यह आ जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इक्वल माइनस sec स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। तो हम यहां डी वाई की तरफ जाएंगे तो डी वाई के साथ क्या है आपका sec स्क्वायर एक्स तो यहां देखते हैं हम sec स्क्वायर वाई डी वाई और tan वाई को हम नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन एक्स। क्लियर। और इसका इंटीग्रेशन को फॉर्म लगा देंगे। अब हम यहां पर मानेंगे, माना कि टेन वाई इक्वल टू टी तो dt इक्वल टू कितना हो जाएगा sec स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी dt अपॉन t। इसी प्रकार हम tan x को u मान लें तो du कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी माइनस du अपॉन u। तो यह वैल्यू आप सिंपल कर लीजिए तो यह हो जाएगी log t इक्वल माइनस log u प्लस c। इसमें मान रख दीजिए वापस log tan y इक्वल माइनस log tan x प्लस c। इसको आप चाहे तो यहां ले आएंगे साथ में अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां पर तो dy अपॉन dx इक्वल ex माइनस e की पावर माइनस x अपॉन ex प्लस e की पावर माइनस x। तो यह आपका dx को भी आप राइट ही में रखें इंटू डी एक्स और हम इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। क्लियर। तो
dy, यहां पर हम माना ex e की पावर माइनस x इक्वल टू t, तो dt कितना हो जाएगा ex माइनस e की पावर माइनस x इंटू dx, तो यह वैल्यू जो है आपकी dt अपॉन t, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y इक्वल log t प्लस c, तो y इक्वल टू log t का मान वापस रख दीजिए कितना है ex e की पावर माइनस x प्लस c, यह आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके, थैंक यू।